टोनी स्टार्क डेथ इन एवेंजर्स 4। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ टोनी स्टार्क की डेथ की। टोनी स्टार्क की डेथ एवेंजर्स 4 में कैसे हो सकती है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है, कुछ फैन थ्योरीज, ये सब कुछ कंबाइन करके मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो हमें एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में देखने को मिले कि टोनी स्टार्क इस समय बेंडार शिप में स्पेस में फंसा है नेबुला के साथ। तो उसमें दिखाया ये गया कि टोनी स्टार्क ने 4 दिन से खाना पानी नहीं खाया है और उसका ऑक्सीजन भी कल तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टोनी स्टार्क की इतनी हेल्पलेस मौत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आखिरकार वो MCU का फाउंडिंग मेंबर है और पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अहम पार्ट है। तो उसकी ऐसी सिंपल मौत होगी नहीं। अगर टोनी स्टार्क की डेथ होगी भी तो एज अ सेक्रीफाइसिंग डेथ होगी, क्योंकि हमने हर एवेंजर्स सीरीज में देखा है टोनी स्टार्क अपनी जान की बाजी लगा दिया था, चाहे एवेंजर्स पार्ट 1 हो, चाहे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन हो, चाहे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। जब जब मुसीबत आई पूरी की पूरी दुनिया पर टोनी स्टार्क सबसे पहले आ गया है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर पृथ्वी को या कह पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाने में सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया। तो अब बात की जाए एवेंजर्स एंड गेम में तो टोनी स्टार्क की डेथ कैसे हो सकती है। दोस्तों, अब कुछ समय पहले एक फैन थ्योरी आई थी कि टोनी स्टार्क अपना खुद का इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाएगा। तो अगर स्नैप को रिवर्स करना हो तो हो सकता है री स्नैपिंग की ज़रूरत पड़े, ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़े जिससे जितनी भी चीज़ें डिसइंटीग्रेट हुई थी तो वापस आ जाए। उसमें एक स्नैप और करना पड़ेगा जिससे सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाए, लेकिन वो स्नैप थैनोस नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में देखा है थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और उसका शायद वो लेफ्ट हैंड भी। तो अगर वो अच्छा बन के स्नैप करना भी चाहता है तब भी वो नहीं कर पाएगा, उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि उसके हाथ में दम फंस चुका है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की तो इन्फिनिटी स्टोन्स अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो यानी अगर टोनी स्टार्क कोई नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाता है तो आराम से उसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लग सकते हैं। तो जब बात आएगी कौन स्नैप करेगा तो जाहिर सी बात है टोनी स्टार्क ही आगे आएगा, क्योंकि आखिरकार वही वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट डिज़ाइन के है, वही उसका अच्छे से मैकेनिज्म जानता है। तो अगर उसको स्नैप करना हुआ तो वो खुद आगे आएगा, वो थॉर को नहीं बोलेगा, वो कैप्टन अमेरिका को नहीं बोलेगा, वो हल्क को नहीं बोलेगा, वो किसी को बोलेगा नहीं कि तुम मेरी तरफ से स्नैप कर दो, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो खुद ही अपना नया सूट और नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेगा और स्नैप कर देगा, और इसी प्रोसेस में हो सकता है टोनी स्टार्क की मौत हो जाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है जो अलग अलग जगह से आई है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि टोनी स्टार्क की ऐसे मौत होगी। हो सकता है टोनी स्टार्क के थानों से लड़ते लड़ते मौत हो जाए, हो सकता है टोनी स्टार्क किसी और विलन, जो कहते हैं ना अभी न्यूज़ में आता है कि एवेंजर्स विल गोना फाइट अ ग्रेटर थ्रेट, कोई और बड़े विलन से लड़ते लड़ते मौत हो जाए, या ये भी हो सकता है टोनी स्टार्क की मौत हो ही ना, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस एवेंस, ये सबका कॉन्ट्रैक्ट एवेंजर्स एंड गेम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो रिन्यू नहीं हो सकता, बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के बाद इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो सकता है, लेकिन इन लोग का अब ज़्यादा रोल नहीं होगा क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन, फैंटास्टिक फोर भी आएंगे। तो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में इन लोग का आना ज़रूरी है, और अगर इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा तो इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ केमियोस के लिए। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटी न्यूज़ है और अभी तक इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि टोनी स्टार्क मरेगा कि नहीं मरेगा, ये तो मैं फाइनली एवेंजर्स 4 मूवी देख के पता चलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।